नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जानकारी के मुताबिक आलमबाग के आजाद नगर में रहने वाले शेखर गुप्ता अपने भाई की दवा लेने मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। तकरीबन देर रात 12 बजे गाड़ी खराब हो गई। इसके बाद शेखर और उनके दोस्त गाड़ी को ठीक कराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शेखर दूसरे फोन पर गाड़ी की व्यवस्था की बात कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर कृष्णा नगर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी पहुंचते और उनकी तलाशी ली। जब उन्हें तलाशी में कुछ नहीं मिला तो दो पुलिसकर्मियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और लाठी डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उसके जेब में रखे 1600 रुपए भी पुलिसकर्मियों ने छीन लिए। पीड़ित का कहना है कि पिटाई के बाद गंभीर चोट आई है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं डीसीपी सेंट्रल जोन सोमेन वर्मा के मुताबिक इस पूरे मामले की वीडियो को देखा गया, जिसमें पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। मामला कृष्णा नगर का है। हमने एसीपी कृष्णा नगर को पूरे मामले की जाँच सौंप दी है। अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।